नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इंडिया हिंदी लाइव में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनी टैप के बारे में, जो किस तरह से उसका क्रेडिट कार्ड मिलता है और लोन उसमें किस तरह से मिलता है। गाइस क्या है मनी टैप का सच्चाई, मैं इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। अगर गाइस आप चैनल पर नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले ब्लैक बेल प्रेस की तक मिलता रहेगा आपको नया नया वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आप सब बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं जाते अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ मोबाइल के स्क्रीन की ओर, ओपन कर लिया हूँ प्ले स्टोर। तो गाइस मैं प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो नाम डालना है मनी टैप आपको डाल देना। चलो मनी टैप मैं ऑलरेडी डाल कर रखा हूँ, तो गाइस आप इधर देख पाएंगे मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूँ। चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा वो आपको चलो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो फाइनली मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो चलो ओपन पर मैं क्लिक कर दिया। तो गाइस जैसे वो ओपन पर क्लिक करेंगे, तो फाइनली मैं ओपन पर क्लिक कर चुका। तो गाइस इधर आप देख पाएंगे तो आपके सामने कुछ चैट वेलकम टू मनी टैप आपको इस तरह से सजेशन करेगा। उसके बाद इधर आपसे लैंग्वेज चॉइस करने के लिए बोला जाएगा। चलो मैं लैंग्वेज चॉइस कर लेता हूँ। कहीं जो फाइनली इंग्लिश चॉइस कर ले, उसके बाद आपको इधर देखेंगे साइन इन आपको इधर से हो जाना। चलो मैं साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे आप साइन इन पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस पर इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप इधर देखेंगे क्रेडिट लाइन कैश आप जो है 24 आवर्स आपका मनी जो है इन योर फोन ऑफ योर, यानी आपको मोबाइल में 24 आवर्स तक इसमें अवेलेबल रहता है। ऐसे 24 आवर्स में कभी भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट जो है इसका अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप लोन लेते हैं तो लोन भी आपको 24 आवर्स में कभी भी अप्लाई हो जाएगा। चलो फाइनली मैं इधर आप गाइस फेसबुक या तो गूगल अकाउंट से आप सब अटैच कर सकते हो। चलो मैं फाइनली अपना गूगल अकाउंट से इसको अटैच कर देता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली गूगल पे क्लिक कर चुका हूँ। गाइस जैसे आप गूगल पे क्लिक करते हैं आपके सामने जितना भी ईमेल आईडी रहेगा आपको मोबाइल में वो फाइनली इधर से शो हो जाएगा। चलो मैं आपको एक ईमेल आईडी से अपना लॉगिन कर लेना। चलो मैं एक ईमेल आईडी से शो हो जाता हूँ, मतलब इन हो जाता हूँ। फाइनली गाइस मैं ईमेल आईडी पे क्लिक कर चुका हूँ। तो गाइस जैसे भी ईमेल आईडी पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो मोबाइल में आपका दो सिम लगा रहेगा तो दोनों सिम इधर शो हो जाएगा, यानी कौन सा सिम से आप इसमें वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं। चलो मैं फाइनली एक सिम इसमें क्रिएट कर देता हूँ। आपको जैसे सिम मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको इसमें आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे जिसका भी जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है, आपको टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो मैं फाइनली टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इधर आप बोल रहे हैं कुछ परमिशन आपको दिया जाएगा इस मोबाइल के, तो आपको परमिशन आपको दे देना है इसको। चलो फाइनली अलाउ परमिशन कर देते हैं। तो गाइस मैं फाइनली अलाउ कर दिया हूँ। तो इधर आप देखेंगे जो आएगा प्रोसेस है ये फाइनली प्रोसेस में जा चुका है। तो चलो मैं इसको प्रोसेस पूरा होने देते हैं। तो गाइस इधर आप देखेंगे सीन यू टू मनी टैप, यानी मेरा जो रजिस्टर फाइनली हो चुका है। तो गाइस इधर देखें प्रोफाइल क्रेडिट और अमाउंट, यानी अभी आपके इधर से स्वाइज हो गया, यानी आपका नाम डेट ऑफ बर्थ इधर आप देखेंगे फाइल डिटेल्स में आपको फाइनली क्लिक कर देना। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस आपके सामने कुछ फिर से इस पर इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको पहले मैं अपना नाम मिडिल नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ उसके बाद जनरल आपको इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सिटी कौन सा सिटी में रह रहे हैं तो आपको ये सिटी इधर से चॉइस करना पड़ेगा। चलो मैं ये सब पूरा फिल कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली आप जब पूरा अपना नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और लोकेशन डाल दें तो आपके सामने फिर से एक अलाउ मांगा जाएगा लोकेशन के लिए। चलो इसको आपको अलाउ करते हैं। चलो मैं फाइनली अलाउ पे क्लिक कर चुका हूँ। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करते हैं फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। वह जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आपको एक सेल्फी का जरूरत पड़ेगा, आपको जो कि इधर आपसे सेल्फी आपको डालना पड़ेगा। चलो मैं सेल्फी इधर एक डाल देते हैं। तो गाइस मैं फाइनली सेल्फी पे क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। चलो मैं सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस फाइनली मैं सबमिट पे भी क्लिक कर चुका हूँ। तो अभी आप देखेंगे लोडिंग में मेरा जा चुका है। तो गाइस इधर आप देख पाएंगे जो मेरा फाइनली है मेरा नाम डेट ऑफ बर्थ मेल और सेल्फी मेरा फाइनली इधर सक्सेसफुल हो चुका है। तो फिर आगे का प्रोसेस आप देखेंगे फाइनली ये कर रहा है, ये आप बोल रहा है जो सैलरी आपका कितना है वो कम से कम इसमें सैलरी गाइस बता दूँ कि सैलरी कम से कम 20,000 रुपया होना चाहिए, तो ही जाकर आपका लोन जो है इधर से अप्रूवल होगा। बट इसमें क्या है सच्चाई मैं आपको सब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलो मैं पूरा प्रोसेस में आपको बताता हूँ। गाइस इसमें आप देखें इधर दो ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसमें से देख लेंगे एक अदर का दिया गया है और यस आई एम दिया, यानी आपको इधर से बोला जा रहा है अगर आप फुल टाइम अगर जॉब करते हैं तो आपको यस करना है, या अगर आप अदर कोई बिजनेस करते हैं आपको अदर पर क्लिक कर देना। चलो मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ तो मैं फाइनली यस पे क्लिक कर दिया। गाइस इधर आप देखें फुल टाइम सैलरी के लिए आपको यस करना पड़ेगा। चलो मैं इस पर फाइनली यस पे क्लिक कर दिया। तो गाइस इधर देखें हमको अमाउंट पूछा जा रहा है, आपका अमाउंट कितना है इनकम सैलरी के लिए पूछा जा रहा है। चलो फाइनली मैं सैलरी इधर डाल देता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली अब सैलरी पे क्लिक कर चुका हूँ। तो चलो मैं इसको फिर आगे का प्रोसेस कर देते हैं, जो कि आप गाइस कौन सा बैंक में अगर आपका जो सैलरी है तो कौन सा बैंक में आगे किस तरह कैश से आता है या चेकबुक आता है या नेट बैंक के साथ है। चलो मैं फाइनली इस चेक पे क्लिक कर सॉरी नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको बैंक कौन सा बैंक में आ रहा है बैंक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो मैं इधर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो
गाइस फाइनली मैं बैंक पे क्लिक कर चुका हूँ। चलो अभी मैं आगे के लिए सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। चलो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस इधर आप देखेंगे ये पूछा रहा है आर यू श्योर आपका जो 20,000 रुपया मंथली आ रहा है तो हमको ठीक है इधर आपको यस कर देना। चलो फाइनली मैं यस पे क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइस इधर आप देखेंगे फिर आगे का प्रोसेस आपका लेके चल रहा है। चलो मैं आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं क्या करने वाला ही है। तो गाइस इधर आप देखेंगे फाइनल एलिजिबल चेक करने के लिए आपको फुल अपना पैन कार्ड नंबर, कंपनी का नेम, कंपनी टाइप, वर्क ईमेल आईडी और आप उधर कौन सा उधर पोस्ट है आपको ये सब पूरा फिल करना पड़ेगा। चलो आपको मैं फाइनली फील्ड पर क्लिक कर देता हूँ, यानी फाइनली पूरा डिटेल्स जो इधर मैं इसको डाल देता हूँ। तो आप सब इधर फाइल डिटेल्स आपको क्लिक कर देना। चलो फाइनली इस पर क्लिक कर दिया। तो गाइस इधर आप देखेंगे फाइनली हम बोला जा रहा है कि आपका पैन कार्ड नंबर, उसके बाद कंपनी का नेम आपको जितना है आपको इसमें सब इसमें पूरे आपको फिलअप कर देना। चलो फाइनली मैं ये सब फिलअप कर देता हूँ इसमें। तो गाइस फाइनली आप इसमें सब कुछ भरने के बाद एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो भी चाहिए इसमें से आप इधर टिक कर लीजिएगा। लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप इधर से अप्लाई कर सकते हो। चलो फाइनली मैं क्रेडिट कार्ड क्लिक कर चुका हूँ। गाइस उसके बाद आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस इधर आप देखेंगे वेरीफाई योर ईमेल आईडी, चलो मैं आपको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली ओके पे क्लिक कर चुका हूँ। तो इधर आप देख पाएंगे जो फाइनली हमको ये पूरी जो है एलिजिबल फाइनल एलिजिबल चेक जो हमको अभी हमारे ईमेल आईडी पे ये फाइनली एलिजिबिलिटी के लिए जो हमको ईमेल आईडी पे मालूम पड़ जाएगा। चलो मैं एलिजिबिलिटी के लिए मैं देखते हैं ईमेल आईडी पे कुछ आया है कि नहीं आया है। तो गाइस फाइनली आज अपने ईमेल आईडी में गाइस इधर देखेंगे हमको मनी टाइप की तरफ से एक मेल आया हुआ है। चलो मेल पर क्लिक करता हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट वेरीफाई योर वर्क ईमेल एड्रेस, तो हमको फाइनली इस पर आप देखेंगे मैं नीचे की तरफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस इधर देखो मनी टाइप की तरफ से हमको ईमेल आया है जो कि मेरा नाम इधर और वेरीफाई ईमेल आईडी के लिए हमको बोला जाए। चलो फाइनली मैं वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली वेरीफाई पर क्लिक कर चुका हूँ। तो गाइस हमको फाइनली अभी ये लेके जा रहा है क्रोम में। चलो हम चलते हैं क्रोम में अभी। तो गाइस इधर आप देखिए मेरा फाइनली क्रोम जो है ओपन हो रहा है जो कि वेरीफाई के लिए इधर आप गाइस देखें थैंक यू फॉर वेरीफाई योर ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो गाइस फाइनली मेरा जो मनी टाइप की तरफ से जो है मेरा ईमेल आईडी भी सक्सेसफुल इधर से हो चुका है। चलो अभी चलते हैं मनी टाइप में फिर से। तो गाइस आप सब पूरा इधर फिनिश करने के बाद भी आपको जो हाथ में झुंझुना ही थमाने वाला है मनी टाइप। तो गाइस फाइनली अभी देखेंगे जो कुछ भी आगे का इससे आगे प्रोसेस आपका नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं लोन मिलेगा नहीं क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो मनी टाइप जो है आपका हाथ में झुंझुना ही थमाने वाला है। तो आप सब इस जो फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में आप जानिए भी मत और इसका आगे प्रोसेस भी मत कीजिए क्योंकि आपका जो पूरा है बायोडाटा ये मनी टाइप आपको लेना चाहता है। तो आप सब से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आप सब इस सब के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि आपका जो कुछ ना कुछ नुकसान ही होने वाला है, आपका पूरी बायोडाटा ये मनी टाइप ले लेता है। जिसमें जब आपका पर्सनल जो आप लोग हम लोग बायोडाटा फिलअप करते हैं तो ये खुद अपने पास ये बायोडाटा रख लेता है। तो इसके लिए इधर हम लोग अगर फोटो भी इसमें डिलीट करना चाहते हैं तो फोटो भी आप सब डिलीट नहीं होगा। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब इस सब के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपको कुछ भी मनी टाइप ना क्रेडिट कार्ड देगा ना लोन देगा। तो बस आज की वीडियो में यही आप सबको सूचित करने के लिए आया था। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।